हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल माही खाना खजाना में। आज आपने तुरई तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी तुरई के छिलकों की सब्जी खाई है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तुरई के छिलकों को ऐसे मोटा सा उतार लेंगे, उसके बाद हम इन्हें बारीक बारीक चॉप्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं तुरई के छिलकों की शानदार। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए, उसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, एक बारीक चॉप की हुई प्याज को ऐड कर देंगे, प्याज और इसे हरी मिर्च ऐड पिंक होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें दो हरी मिर्च को चॉप करके ऐड करेंगे और 1/4 कप उड़द दाल ऐड करेंगे। हम इसमें हमने ये तुरई के छिलकों को बारीक चॉप कर लिया था, इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। तुरई के छिलके अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम एक आलू ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से थोड़ी देर 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। जी, भून गई है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड लगा देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हम अपनी सब्जी की लिड हटा के देखते हैं। हमें इस सब्जी को पकाते हुए लगभग 2.5 मिनट के आसपास हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी का पानी सूख चुका है और सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को दाल रोटी अरहर की दाल चावल के साथ तो ये सब्जी कमाल की लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारी तुरई के छिलके की सब्जी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।